खाली हो गया क्या? चलो चला के देखते हैं। खाली हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने ये देखा होगा, ये यूज़ किया होगा। तो भाई ये इस टाइम खाली हो चुका है, इसकी सारी की सारी ब्यूटेन गैस खत्म हो चुकी है। और फ्रेंड्स ये वेस्ट है, कब आड़ा है। तो आप क्या करोगे, आप इस टॉर्च को जो है कि देखिए इस तरीके से, इसे तो आप निकाल कर रख लोगे क्योंकि फ्रेंड्स ये महंगी आती है, इससे भी आता है, लेकिन ये वेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये मिलता है लगभग 100 रुपये का, ये 120 रुपये, अलग अलग जगह अलग रेट मिलता है। तो फ्रेंड्स क्यों ना सिर्फ 5 रुपये में रिफिल कर दें, और फ्रेंड्स वो भी 100% वर्किंग है, और भाई बहुत मजा आएगा। वेस्ट यानी कबाड़ चीज आपकी यूज हो जाएगी और 100% वर्क भी करेगी। तो फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा इस वीडियो हमेशा की तरह। प्लीज दोस्तों वीडियो कम वॉच कीजिएगा। चले फ्रेंड करते हैं 5 रुपये में रिफिल। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई इसे तो रखते हैं साइड में। फ्रेंड्स ये वीडियो प्लीज दोस्तों आपको कंप्लीट वॉच करनी है। मैं आपको सेफ्टी पर्पज भी बताऊंगा इस वीडियो में, सेफ्टी क्या क्या है, जो कि फ्रेंड्स फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी पहले होनी चाहिए किसी भी काम करने से पहले, ठीक है। तो कुछ सेफ्टी मैं आपको बताऊंगा। चले फ्रेंड फटाफट देखिए, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत ब्यूटेन गैस बची है, मतलब आपको जैसे सुना है तो नहीं देखी, लेकिन इसके अंदर है। जब यहाँ पे देखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए माइक है, देखिए यानी कि हल्की फुल्की आवाज आपको आ रही होगी, वैसे मैंने बिल्कुल भाई से निचोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें होल करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, दो प्रोसेस होते हैं, एक कोल्ड प्रोसेस एक हीट प्रोसेस, यानी हॉट प्रोसेस। तो भाई कोल्ड प्रोसेस इसमें काम करेगा, इसमें आग नहीं लगेगी। अगर हीट प्रोसेस करते हैं इसमें आग लग जाएगी। हीट प्रोसेस में अगर आप एंगल ग्राइंडर से भी कट करते हो उसमें चिंगारी उठती है, जो स्पार्क होता है कटते समय, तो भाई वो भी हीट प्रोसेस में ही आएगा। तो आपको ऐसा प्रोसेस करना है इसमें किसी भी तरीके कोई चिंगारी ना उठे। तो चलिए मैं आपको दोनों का एक एग्जाम्पल देता हूँ, मोटो मोटी समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स हीट प्रोसेस में क्या होता है, या तो आप इसे गर्म करें, इसे आग पर फेंक दें, जलाएं, मेल्ट होगा, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल मामला हो गया। लेकिन खैर एक तरीका और है हीट करने का, ये कोई पत्ती है लोहे की, या इस कैन को ही मान लीजिए। अब देखिए ये एंगल ग्राइंडर में चलाता हूँ, देखिए देखिए इतने इसमें कितनी सारी चिंगारी स्पार्क उत्पन्न हो गए, यानी कि वो पैदा हो गए, क्रिएट हो गए, जनरेट हो गए, जो भी हुआ है भाई वो हीट प्रोसेस में आ गया। इसमें आग लग सकते एक चिंगारी से भी। तो भाई हम इस पर करेंगे कोल्ड प्रोसेस। तो भाई हम रहेंगे ड्रिल मशीन, और इससे बहुत ही स्लोली स्लोली इसमें होल करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, वरना वो भी हीट प्रोसेस में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। कोई आप कील ले सकते हो, नेल होती है उससे ठोकाई करके, उससे भी आप इसमें होल कर सकते हो। सारी स्मेल स्मेल होगी भाई साहब। तो लीजिए गाइस इसमें हॉल हो चुका है, और फ्रेंड्स अब तो आप इसे किसी बच्चे को भी दे सकते हैं। एक बात फ्रेंड्स आपको मजे की बताऊं, देखिए दोस्त इस पे क्या लिखा है, डू नॉट पंचर और पियर्स, देखिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स एक बात और देखिए, डू नॉट रिफिल गैस इनटू, देखिए इस पर ये भी लिखा है। और फ्रेंड्स कमाल की बात है भाई, हम दोनों आज करने वाले हैं, इसमें पंचर कर ही दिया है और भाई से रिफिल भी करने वाले हैं। अभी आप लेंगे कोई भी वेस्ट कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो भाई इस तरह ले सकते हो, कोई डब्बा भी ले सकते हो, देखिए इसमें छोटा ढक्कन होना चाहिए। तो चलिए दोस्त इसका भी जुगाड़ करके देखते हैं। तो भाई हमें इसका ये वाला पीस की जरूरत है, तो इसे कट कर देते हैं। चलो अरे वाह ऐसे ना बजा रहे, लीजिए दोस्त इतना पीस मैंने कट किया है, और ये ढक्कन अगर मैं दिखा दूँ खुल, हाँ खुल गया, इतनी तो ताकत में रखता हूँ साइड में, इसे रखते हैं साइड में, इसकी जरूरत है पहले। तो इस ढक्कन को हमें लगाना है सीधा जहाँ पर मैं होल किया था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा होल कर देंगे भाई। वाह देखिए ये होल था, इसे और बड़ा होल कर देंगे, भाई वाह यार ये हमेशा क्यों होता है, पता नहीं क्या बात होगी, मैं सही से लगाता हूँ यहाँ पे, रुक जाइए। हाँ भाई देखो ये तो सुधरने का ना हमारी तरह, मतलब हम तो काफ़ी सुधर गए हैं पहले से। इस टाइम भाई पूरे स्टूडियो में ऐसी आ रही है, मतलब मैं सुना नहीं सकता, काश ऐसे ही फंक्शन आ जाए मोबाइल में जिससे कि भाई सॉन्ग भी सकें कि वहाँ पे बदबू आ कैसे रही है। खैर समझ सकते हो आप, लगभग LPG जैसी बिल्कुल आती है, सेम टू सेम। तो भाई इसके अच्छे से सफाई कर ले, इसमें कोई भी एक भी कण नहीं रहना चाहिए, कोई भी पार्टिकल्स लोहे का कटने के बाद, देखिए ये बिल्कुल ओके। ये होल मुझे इतना बड़ा करना है कि देखिए फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ये इसमें आसानी से आ जाए, आसानी से, कोई नहीं खैर आ जाएगा। अरे आ जा भैया,
क्लीन देगी। हाँ लो भाई, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल बेहतरीन फिक्स आया ये भी। देखिए हमें इसे अच्छे से चिपकाना है जिससे फ्रेंड्स ये प्रेशर झेल सके। लेकिन दिक्कत एक भाई, देखिए इसके ऊपर एक कलर है जो पेंट बॉक्स पर हुआ है, इसे हमें यहाँ से हटाना है, उसके बाद अच्छे से इसके बेस पर चिपकेगा। तो भाई इसे हमने निकाल लिया है। तो भाई सबसे बेस्ट तो सैंड पेपर है जिसे रिगमाल भी कहते हैं, इसे साइड में थोड़ा थोड़ा इसका पेंट खत्म कर देते हैं। तो भाई इससे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और फ्रेंड्स आप जानते हो जल्दी काम किसका होता है, हम वही है। तो भाई जिसे समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट करें अभी। तो फटाफट कुछ थोड़ा जल्दी यानी फास्ट काम कर लेते हैं मशीन से। ये आप काम कर सकते हो अगर आपके पास मशीन नहीं है सैंड पेपर से। बस अब बढ़िया, वार्निंग मिटा दी और भाई फ्लेओवल मिटा दिया, कितना काम आता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ना होता था साफ कैसा होता। तो चलिए बर्खदार अभी से लगाते हैं, लग गया है और इसे कट कर लेते हैं अगर ये कट हो जाए तो, वैसे इसकी जरूरत तो है नहीं भैया। इसकी चोंच से क्या क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्त अभी से चिपकाते हैं, चिपकाने के लिए मतलब गले ख़राब हो गए मेरे, चिपकाने के लिए एमसील फटाफट यूज़ करेंगे। लिखा तो फटाफट है, आधे घंटे ले जाए सूखने में मजबूत तरीके से, पता नहीं यार किस तरीके से फटाफट है। खैर क्या पता भाई इतने देर में फटाफट हो। मेरे हाथ का लोग हैं इसका मतलब ये हो चुकी है भाई तैयार चिपकाने के लिए। इसे लगाने की तरकीब है, काफ़ी लोग जानते हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, ऐसा कर इसका लूलू बनाओ पहले जब चिपकेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, डायरेक्ट लगा था यार। तो भाई इसे कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट तुक्का, ठीक ही बैठी है। फ्रेंड्स इसे करते करते मुझे एक बात और याद आ गई, आपको सिलेंडर ऐसा लेना है जिसमें कोई रस्ट ना हो, जंग ना हो, कहीं से फूटा हुआ ना हो, कहीं से ठुका हुआ ना हो। बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल फ्रेश सिलेंडर है, मतलब खाली फ्रेश सिलेंडर है, तो मैंने ये ले लिया है जिससे फ्रेंड कहीं भी लीकेज ना हो, हमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं मांगता, सही है ना। तो अब इसे अच्छे से यहाँ पे चिपका देते हैं। लीजिए ये फ्रेंड्स हो चुका और अब इसे लगभग आधे ये एक घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं सोखने के लिए। A few moments later. तो लीजिए गाइस ये बन चुका है और चले फ्रेंड्स फटाफट इसमें गैस बनाने का जुगाड़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम यूज करने वाले कैल्शियम कार्बाइड का और ये मुझे 140 रुपए पर केजी मिला है और फ्रेंड्स बहुत कम क्वांटिटी में इसमें लगेगी, मानिए मैं आपको हर चीज दिखूंगा, प्लीज बने रहिए। ऊपर जो मिला कहाँ फ्रेंड्स, ये हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा जहाँ पे कार के पार्ट्स मिलते हैं या बाइक के पार्ट्स मिलते हैं और काफ़ी हार्डवेयर शॉप पर बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। तो ये मैं आधा किलो लेकर आया हूँ जिससे फ्रेंड मुझे 70 रुपये का मिला है और अलग अलग जगह के रेट अलग अलग हो सकते हैं, 500 ऊपर नीचे। देखिए कुछ इस तरह का ये स्टोन टाइप का होता है, पत्थर टाइप का। तो पहले हम इसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो भाई इसका छोटा सा पार्ट बहुत है, छोटे छोटे पार्ट का लेने हैं बस, इन्हें देखिए इतना आ जाना चाहिए, इसके अंदर आ जाना चाहिए, देखिए ये इसके अंदर चला जाएगा। ओ भाई इसमें डालने से पहले इसे लगा लेते हैं इसकी टॉर्च को, ये लगानी काफ़ी ईजी है। देखिए दोनों एक ही साइड हो गए, अभी रहे चार लेकिन मैं सिर्फ एक हाथ ही पेज डालूंगा। चलो एक और डाल देते हैं, बस इन्हें रखते हैं। फ्रेंड्स इसे खुलिया हुआ बिल्कुल नहीं रखना, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसका चूरन सा बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम रख देंगे उठा के। चलो भाई इसमें फटाफट पानी डालते हैं, थोड़ा बहुत पानी बहुत है। देखिए गैस बननी स्टार्ट, इसे बंद कर देते हैं और देखते हैं कितनी देर में गैस बनती है। हाँ देखिए आवाज़ देखिए आवाज़ आने लगी, गैस बन चुकी। देखिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए मैं जरा लाइट बंद करता हूँ, देख सकते हो, देखिए बहुत मस्त। देखिए ओ थोड़ा देखिए इसे मंदा कर लेते हैं भाई वाह। तो चले गाइस मैं इसे निकाल देता हूँ, ये काफ़ी हीट हो रहा है भैया, इसे निकाल के देखते हैं कैसा कलर आता है। देखिए ये निकल गई है। तो चले गाइस यहाँ पे नोजल में निकाल दिया है, अब बिना नोजल के देखते हैं इसकी आग का कलर कैसा है या कैसी काम करती है। ओहो हो भाई देखिए बिल्कुल येलो ही कलर, देखिए जैसा होता है, वाओ।
और भाई पेपर चला के देखते हैं, सिंपल सी बात है, जल ही जाएगा भाई, इसे बंद ही कर देते हैं। आप ऐसा कंट्रोल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो बंद कर देते हैं। और ये काम हो गया, ज़्यादा काम हो गया, बजा 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 बजा। देखिए भाई काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो फ्रेंड्स 100% रियल है और 5-10 रुपये में आपको काम बहुत ईजली हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, जैसे फ्रेंड्स ये खाली हो आप इसे दोबारा से छोटा टुकड़ा डालिए और भाई ये रिफिल हो जाएगा और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। जैसे फ्रेंड्स इसका काम खत्म, यानी कि खत्म, दोबारा डाल दीजिए और साफ करने से बहुत ईजी है, इसका सारा पानी इसे घुमा के निकाल दीजिए। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो भाई साफ करने से पहले इसे ढक्कन खोलने से पहले आप कन्फर्म कर लें कि सारी गैस निकल चुकी है। तो ये माइक में दिखाता हूँ, निकली। हाँ अभी थोड़ी गैस है इसमें, क्योंकि मैंने ख़त्म कर दी थी। देखिए अब सारी गैस निकल चुकी है। तो या आप इसे अगर ना करें ऐसे तो इसे आराम से ढक्कन खोलें, आराम से सुलो सुलो। देखिए बस देखिए इसे ऐसे हिला लीजिए और मैं ज़रा बाल्टी में डाल लेता हूँ नीचे। और देखिए सारा ऐसे निकाल लीजिए। बस देखिए इस तरह के फ्रेंड्स पाउडर टाइप बन जाता है कैल्शियम कार्बाइड ख़राब होने के बाद, देखिए यूज़ होने के बाद। और पानी भर लेते हैं इसमें सफाई के लिए, ढक्कन को लगा ही लेते हैं। अब आप इसे आराम से कहीं भी अपने टूल बैग में रख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों तरीके से टेस्ट करके दिखा दिया है, नोजल लगा के भी और नोजल हटा के भी। तो चलिए भाई इसे फटाफट लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, काफी सिंपल जुगाड़ है, आप इसे कहीं भी इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। अगर आप कहीं घूमने जाते हो, ट्रेवल करने जाते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर गैस होगी सेफ नहीं रहेगा। तो भाई अब देखिए ये बिल्कुल खाली है, आप इसे आराम से देखिए कहीं भी रख सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। और कैल्शियम कार्बाइड आप अलग से किसी छोटे से बॉक्स में रख सकते हो प्लास्टिक में, जैसे फ्रेंड जरूरत हो इसमें थोड़ा टुकड़ा डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और बस सिलेंडर तैयार। और आप इसका काफी जगह यूज कर सकते हो, खाना बनाने में और भी जगह, चाय बनाने में तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो इसका काफी यूज करने वाला हूँ, जितनी भी जरूरत होगी उसके हिसाब से मैं कैल्शियम कार्बाइड में डालूंगा और इसे यूज में ले लूंगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे जो बताएं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये जो आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।